Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मन की साधना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ साधना, मेरा आप सबको प्यार भरा राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम ये कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कान्हा जी पहनकर कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और सुई धागा है बस, और हाथ से इसकी सिलाई करी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। कान्हा जी की ड्रेस के लिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये हमें एक कपड़ा चाहिए जो मैंने एक पट्टी काट रखी है लंबी, ये कॉटन है, और ये सुई धागा चाहिए, और ये कैंची चाहिए। आज फ्रेंड्स मैं आपको हाथ से ही बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स ये हम दोनों साइड इसके कच्चा कर लेंगे। देखिए ऐसे, अब मैं दूसरी साइड से भी कच्चा कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ऐसे चौड़ी चौड़ी वाली मैं प्लेटा डालूंगी इसमें, ये इस तरीके से। ऐसे इस पूरी पट्टी की मैं ऐसे ही प्लेटा डालूंगी और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने नीचे का इसका घेर बना लिया है। और फ्रेंड्स ये जो कमर है ये आप अपने कान्हा जी के हिसाब से रखिएगा। मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने ये छोटी रखी है। अब फ्रेंड्स इसकी हम इस कपड़े को इस जगह लगाएंगे और थोड़ी सी इसकी बेल्ट भी रखेंगे पीछे बांधने के लिए। तो इसको अब हम ऐसे करके और ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक साइड से लगा ली है। अब इसको मैं दूसरी तरफ फोल्ड करके इस तरीके से, ये रेड कलर को मैं ऊपर लेके आ रही हूँ, इसको भी हम कच्चा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे छोटा छोटा लेके इस पर भी हम कच्चा कर लेंगे। और ये फ्रेंड्स पूरा हो जाता है तो फिर मैं आपको ये दिखाते। फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने दोनों साइड से डोरी लगा ली है और ये ऊपर बेल्ट बन गई है। ये देखिए ये पीछे कान्हा जी के इस तरीके से बंध जाएगी और ये आगे इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसकी चोली बनाते हैं। चलिए देखते हैं चोली कैसे बनानी है। फ्रेंड्स ये मैंने चोली के लिए कपड़ा लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यूं और ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसको नीचे से यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे ऐसे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चोली बना ली है दोनों साइड से, और ये दोनों साइड मेरी किनारी है तो मैंने यहाँ पे कच्चा नहीं किया है। अगर आपकी किनारी नहीं है तो आपको कच्चा करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे हाफ हाफ कर लेंगे, जहाँ से स्टार्ट ये घेर हुआ है वहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के अटैच कर देंगे ऐसे हाफ हाफ करके तभी करेंगे। अब मैं इसको अटैच करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इस चोली में अटैच करने से पहले मैंने ऊपर एक पट्टी लगा ली
फ्रेंड्स ये वहाँ पे, यहाँ पे मैंने कच्चा नहीं किया, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था, ऐसे पीछे नॉट लग जाइए कान्हा जी के गले में। अब मैं इसको अटैच करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स ये कान्हा जी की पोशाक बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए ये गर्दन में डोरी बंधेगी और ये पीछे डोरी बंधेगी। फ्रेंड्स आप गर्दन का और ये चोली का नाप लेकर ही चोली बनाइएगा और ये कमर का भी थोड़ा सा नाप लेकर ही बनाइएगा। ये देखिए इतनी सुंदर लग रही है, अपने कान्हा जी को पहनाइए, बहुत प्यारे लगेंगे कान्हा जी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कान्हा जी को पोशाक पहना भी दी है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने गर्मी के पर्पज़ से बनाई है, बहुत हल्का कपड़ा है, कॉटन का है और ये देखिए बिल्कुल फिट आई है, बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइएगा और पहनाइए, फिर मुझे बताइए कि आपके कान्हा जी के ऊपर कैसी लग रही थी। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। देखिए मेरे कान्हा जी को कितने प्यारे, कितने सुंदर दूल्हा लग रहे हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।